इन्होंने सबसे कहाँ से सीखे हैं, भले ठाकुर जी जैसे भगवान राम आए, राम सीता का प्रति कैसे व्यवहार करते थे, राम अपना भाई के प्रति कैसे व्यवहार करते थे, राम अपना माँ के प्रति कैसे व्यवहार करते थे, राम अपना बेटे के प्रति कैसे व्यवहार करते थे, हैं वो अगर लास्ट में जाकर देखोगे ना, ये सब के सब ठाकुर जी से आए हैं। जैसे रामायण हम पढ़ते हैं, पढ़ने पर किसको प्रति कैसे व्यवहार कौन किसको प्रति कैसे किसको व्यवहार कैसे होनी चाहिए क्या होता है, धीरे 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 ये भगवान से ही हम सीखे हैं। कहते उसी तरह ये जो भक्ति हमें मिला है, ये भक्ति हमें कहाँ से मिला है, ये भगवान से मिला, भगवान सिखा दिया है, हैं ठाकुर जी हमें सिखा दिया, उन्होंने उनका शिष्य उनका शिष्य उनका शिष्य से उन्होंने सिखा दिया, इसलिए हम सबके सब ऋणी किसकी चरण में, भगवान की चरण में ऋणी है, अपना गुरु जी की चरण में ऋणी है, उन्होंने उनका गुरु जी की चरण में ऋणी है। अभी जो हम भजन गा रहे थे ना, ये तो है बंगला कीर्तन है, लेकिन इसमें ये बताए कृष्ण हई ते चतुर्मुख, मतलब भगवान से सर्वप्रथम चतुर्मुख ब्रह्मा है, हन कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा हई ते नारद रे मति, ब्रह्मा जी से पहले नारद जी को मिला, नारद जी को पहले व्यास देव को मिला है, इसलिए हम रोज रोज सवेरे इस कीर्तन में गाते हैं। क्यों गाते हैं, बोले आप लोग नहीं होते तो हम भक्ति नहीं मिलता, हम भगवान की भजन ही नहीं करते, हमको पता ही नहीं चलता, इसलिए आप लोगों की कृपा से ही हम सब कुछ मिला है, इसलिए हम क्या करते हैं उनको नाम लेते हैं, हैं जब उनको नाम लेते हैं क्या होता है, फिर उनका शक्ति मिलता है, उनकी शक्ति हमें प्राप्त होता है, हैं। लेकिन संसार में अगर तुम किसका नाम लोगे ना, उनको नहीं मिलेगा, जैसे तुम्हारे पिताजी 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 का तुम नाम लोगे ना, क्योंकि अगर वो भक्त होते तो फिर तो वो जो भक्त वो नित्य है, हैं जो भक्त होते नित्य, जैसे जितने भगवान जैसे हनुमान जी नाम सुने कि नहीं, हम हनुमान जी को पास जाकर प्रार्थना करते ना, हनुमान जी कृपा करो, हैं हमें ये दो, तुलसीदास जी को पास जो संत होते हैं उनको पास में प्रार्थना, जो संत होते हैं जो भक्ति किया है ना वो हर्ष में नित्य रहते हैं, वो मरने पर भी शरीर छोड़ जाने पर भी वो तब भी जगत में रहते हैं, क्यों वो भगवान का भजन किए हैं, हैं इसलिए जब हम उनका नाम लेते हैं, उनका नाम लेते ही वो खुश हो जाते हैं हमारे ऊपर में। देखो अभी भी जैसे तुम पिता हो, अगर सबर जाकर पिताजी की चरण छोगे पिता खुश हो जाएंगे, मेरा बेटा अच्छा बेटा मेरे को मानता है, हैं सास ससुर को चरण छोगे खुश हो जाएंगे, क्यों ये हमें मानते हैं, ये हमें मानते हैं, खुद हृदय से आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उसी तरह जो हम भक्तों का नाम लेते हैं वो भी खुश होते हैं, क्यों ये हमें मान रहे हैं, हैं हमारी कृपा से जो उनको भक्ति मिली इसलिए हमें मान रहे हैं, इसलिए हम रोज़ रोज़ सवेरे सवेरे सब संतों का नाम को ले लेकर के हम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद को प्रार्थना करते हैं, इसलिए नियम है ये सब संतों का नाम हमें लेकर के उनको प्रणाम करनी चाहिए, ठीक है। अब तो तुम्हारी मंगला का तुम्हारी भजन में ये नहीं आई तो गाते है इसको देख देख के, हां गाने से गाती है बड़े की चीज को देख देख हरे कृष्णा हरि बोल हरि वृंदावन वासी जात वैष्णव रगाना प्रथम वंदना करी सवार Thank you.
अच्छी बात वो कह रहे हैं, बोले जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचर। इसका मतलब है कि तो भैया अभी तो जग जाओ, इतना दिन तक सोते रहे, बोले हम सोए तक जब जगे हुए। बोले नहीं, जगना उसे कहते हैं जब हम भगवान की भजन करें, सोना उसे कहते हैं जब भगवान को भूल जाए। इसलिए माया पिशाची, ये माया रूपी पिशाची की गोद में हम सोए पड़े हुए हैं। इसलिए हमारे वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जगो, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करो,
हैं, बोले कब तक ये माया की मोह नशा में कब तक सोते रहोगे। माया मतलब क्या है? जो जो चीज नहीं वह चीज को हाँ करना, यही माया है। हम कहते नहीं माया है, माया मतलब झूठा है। माया मतलब क्या है? माया मतलब क्या है? झूठा है, हैं? ये संसार झूठा ही है, हैं? एक दिन सबको जाना पड़ेगा, एक दिन सबके सब अलग होना पड़ेगा, हैं? जैसे इनके प्रभु जी थे, पति थे, वो कहाँ गए? अगर पति होते तो हम छोड़ कर क्यों जाते? हमारे पास में तो रहते, वो तो हमें छोड़ते नहीं ना, यहीं तो रहते ना, फिर गए क्यों? इसलिए इसको कहते हैं माया है, संसार क्या है। जैसे धर्मशाला में जाकर रुकते हैं ना, तुम कहाँ से? बोले बम्बे। बोले तुम मद्रास? बोले तुम कलकत्ता? सवेरे होते ही गए। ये करुणा में है, करुणा में कितने लोग चले गए? वो गए क्यों? अगर अपना होते तो क्यों छोड़कर जाते सबके सब? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हम सबके सब माया के नशे में सोए हुए। असली जो हमारी पिता माता भाई हम भूल चुके हैं उनको। कहते ना तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधु सखा, तुम्हें व विद्या द्रविण, तुम्हें व सर्वम। वही हमारे पिता माता भाई बंधु है। लेकिन जो असली जो पिता माता भाई उसका हम तो भूल गए, और जो नकली है ना हम उसको पकड़ लिए। और इसलिए एक दिन क्या होता है, छूटते हैं, और जब छूटते हैं फिर हम रोते हैं, फिर हम दुख होता है, रोते हैं। अगर असली पिताजी का अगर माताजी को पकड़ लो, वो कभी छोड़ेंगे नहीं, वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते जीव जागो, बोले जीवो जगो, अभी तो जगो कम से कम, है जीव जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले, कहते बात को कौन कह रहे? बोले भगवान कह रहे, ठाकुर जी स्वयं। गोरा चांद मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ ये कृष्ण है। कर जीव कतो निद्रा जाओ माया पिशाच रकोले, हैं? बोले कितने समय तक माया पिशाच की गोद में कतो कितना समय सोते रहोगे? बोले क्यों? बोले भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतर। तुम जब इसी संसार में आए हो तब मातृगर्भ में क्या कसम खा कर आए थे? कल कथा सुन रहे थे ना, कल कथा। मातृगर्भ में जो बड़ा कष्ट होता है, कीड़े काटते रहते हैं, गर्भ में बच्चे रहते हैं, ये माता को चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, नमकीन मिर्च खट्टा ये सब नम ये सब चीज़ खाते हैं। बच्चा का शरीर बहुत मांस पिंडला जैसे होता है, उसको शरीर में लगता है जैसे घाव गोबर में नमक छिड़काते हो ना, कितना प्यारा लगेगा। इसी तरह उसको बड़ा कष्ट होता है, कीड़े भी काटते रहते उसको, हैं? बड़ा कष्ट भोग करता है जीव। भगवान को पुकारता, बोलो प्रभु मैंने इनसे कौन सा पाप किया, ये नरक में मेरे को आना पड़ा, प्रभु जी मेरे को निकाल दो। बोले क्या करोगे? बोले इस बार जन्म दोगे ना, कभी ये झूठे संसार में नहीं फंसूंगा। जो सुख का समय तो सब संसार में थे, लेकिन जो कर्म का फल भोगना पड़ रहा है तो कहाँ, सब भाई बंधु पुत्र परिवार सब कहाँ, कोई साथ में है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भजी व बोलिया ऐसे संसार भीतर, तुम तो संसार में इसलिए आए था प्रभु का भजन करने के लिए, लेकिन भूलिया रहिले तुम्हें अविद्या भरे। लेकिन तुम भगवान को भूल गया, अविद्या की नशे में भोर में तुम्हें भूल गया। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं तुम्हारे लय ते आमी है न अवधाय। अभी तुमने बोल करके आया था ना भजन करने के लिए, भजन नहीं कर रहे हो। अभी हम तुमको लेने के लिए आया हूँ। कहाँ लेने के लिए? बोले अपना घर में तुमको ले जाने के लिए मैं आया हूँ। तुम्हारे लय ते आमी है न अवतार, आमी बिना बंधु बोल के आज तुम्हारे जगत में मेरे को सिवाय तेरे कोई बंधु है ही नहीं। तब जिनको बंधु बांधव समझ रहे हो ना, एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। है सब कहते ना अब कैसे है, बोले जब तक जेब में पैसा हो। पैसा कौन और तुम कौन, है तुम कौन? इसलिए हम तुमको लेने के लिए आए हैं, है मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। कहते अगर हम अगर लेने के लिए अपना घर में ले जाने के लिए आए हो, अभी हमको करना क्या पड़ेगा? अपना घर में जाने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? बोले एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या है? कहते एनएच ही औषधि माया नासी बार लागी। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर के पास में जाते हैं, दवा लेने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास में, कभी दवा खा लो तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगा। और संसार में जो हम बीमारी, संसार में क्या बीमारी? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बांधव से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, हैं? हम जो दुखी 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 संसार, कभी ये दुख से निकलने के लिए कौन सा दवा, कौन सा ऐसे दवा ले ले जो कि ये दुख तुम्हारी खत्म हो जाए? बोले एक ही दवा ले दो, एनएची औषधि माया नासीवार लागी। कहते हरि नाम महामंत्र लह तुम्हारी।
कहते जो भगवान का जो नाम है ना, ये सबसे बड़ा दवा है। अगर प्रभु का नाम तुम ग्रहण करोगे, बस तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, हैं, सारी बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। केवल भगवान की नाम रूपी दवा को अगर ग्रहण कर लोगे, इसी से ही तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए भक्त विनोद प्रभु चरण ने पढ़िया ऐ हरि नाम मंत्र लह ले। जो जो भजन जो गा रहे हैं ना, इनका नाम श्री भक्त विनोद ठाकुर, वो कह रहे हैं प्रभु आपका चरण में हम प्रणाम करते हुए क्या कहते हरि नाम महामंत्र लह ले मागिया। कहते जो हरि नाम रूपी जो महामंत्र है, हैं, इसको लह ले मागिया, उसको मांग करके हरि नाम ले लिया। अगर जीवन में प्रभु का नाम अगर हमने जप कर ली, हैं, भगवान की भक्ति कर लिया, नाम कर लिया, बस जन्म मृत्यु के बाद में फिर संसार में हमें और आना नहीं पड़ेगा, फिर ये संसार का कोई दुख कष्ट भोग नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले मेरे जो धाम है कैसे मेरे धाम है, मेरे जो धाम है कैसे, बोले चिंता मणि प्रकर सत्म, वहाँ भूमि चिंता मणि है, वृक्ष कल्प वृक्ष, वह पानी नहीं सब अमृत है, गैया नहीं सब काम धेनु, वहाँ पर जो कुछ बोलते हैं ना लगता है बड़े सुंदर, जैसे कोई भजन गा रहे, जब कोई चलते हैं ना वहाँ लगता है जैसे कोई नाच रहे, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ पर कष्ट नहीं, कोई किसी का वहाँ पर छोड़ते नहीं, कभी तुमको किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसी समय में कृष्ण ही तुम्हारा सब हो जाए। अगर वहाँ पर सखा रूप में जन्म लोगे कृष्ण तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, अगर माँ रूप में जन्म लोगे कृष्ण तुम्हारे लाला बन जाएंगे, अगर तुम अगर किसी गोपी रूप में जन्म लोगे कृष्ण तुम्हारे पति बन जाएंगे, हैं, अगर महिष रूप में गए तो कृष्ण तुम्हारे पति बन जाएंगे, और कृष्ण कभी मरने वाले है नहीं, फिर तो चिरकाल के लिए आनंद ही आनंद है, हैं, आनंद ही आनंद है। इसलिए उनको जाने के लिए एक टिकट जरूरत है, वो टिकट है भगवान की नाम रूपी टिकट, बस एक टिकट ले लो, सारे काम तुम्हारी हो जाएगी, सारे काम तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, भगवान की नाम को जप करो, इसी से ही सारे बीमारी तुम्हारी इसी से खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो ये भजन में कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, ये बंगला भजन है, अभी और एक भजन गा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात उसमें बताते हैं। उसमें लिखा लो उदिल अरुण पूर्व भागे, उसमें लिखो ऊ देख लो, उसका पेज देख लो, उदिल अरुण पूर्व भागे दिज मनी गोरा अमनी जागे भक्त समूह लैया साथे गेला नगर कृष्ण
भजन में कह रहे हैं उदिल अरुणापुर, जब सवेर होता है सूर्य जब उदित होता है कहते श्री जो महाप्रभु चिराग जी से आना बोल रहा था, जैसे फोन करेगा तो सब बताए, मैं फोन करता हूँ। इसलिए हाँ कहते इसलिए कह रहे हैं जब सवेरे उठते हैं है? कहते नियम है जल्दी जल्दी उठनी चाहिए, ज्यादा समय एक ऋषि स्नान, एक देव स्नान, एक नर स्नान और एक राक्षस स्नान, चार तरह का स्नान होता है। कहते एक होता है ऋषि, ऋषि लोग कब भक्तों को ले जाते हैं और ऋषि मजिरा करता लेते हैं और ढोलकी लेकर के ना कीर्तन करते हैं, पर कीर्तन पर कीर्तन करने से क्या होगा, सवेरे अगर प्रभु का कीर्तन किसको काम नहीं पड़े ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, सवेरे उठ करके यही तो करते थे माता पिता तो यही करते थे ना गीता रामायण पर, क्यों सवेरे अगर भगवान के नाम भजन करोगे फिर दिन भर तुम्हारी मंगल मंगल होगा, दिन भर तुम्हारी मंगल ही होगा, अमंगल कभी होगा नहीं। ठाकुर का नाम पूजा सेवा करो, अगर गीता रामायण पढ़ोगे सवेरे दिन भर तुम्हारी अच्छा ही जाएगा। जैसे घड़ी होता है ना, पहले एक बार चाबी दे देते थे वो 24 घंटा चलता था, फिर दोबारा सवेरे फिर चाबी लगा देते हैं। इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा पाठ माला जप कर दिया ना, पूरा दिन भर तुम्हारे बढ़िया बढ़िया जाएगा। इसलिए महाप्रभु उठ करके कीर्तन करते थे, नगर संग फेरी करते थे, मृदंग बजा करके सबको कान में भगवान का नाम पड़े, सभी का कल्याण हो उद्धार हो है। इसलिए बोले यहाँ पर कहते हैं मुकुंद माधव जाधव हरि बोलो रे बदन भरी, उसके बाद में पीछे निद्रा बस गलर राति दिवस शरीर जागे। कहते क्या करो मुकुंद माधव जाधव हरि, ये जो भगवान का नाम क्या वो मुंह भर करके लो, इसको भगवान का नाम मुंह भर करके लो। बोले क्यों, कारण है, कारण क्या है, बोले जब एक श्वास तुमने छोड़ दिया, अगर तुम करोड़ रुपया दोगे ना एक श्वास को वापस नहीं ला सकते हो। मानो जैसे अंबानी अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, डॉक्टर ने बोल दिया ये इसका अंतिम श्वास है, अगर बोले तेरे को चार कोहिनूर हीरा हम दे रहे हैं उसका चार श्वास वापस ले, हम ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं। इसलिए इसमें कह रहे भैया ये जो मानव शरीर है ना ये इतने कीमती जीवन है, अगर एक बार अगर नष्ट हो गया ना फिर भगवान दोबारा जीवन नहीं देते। ये 84 लाख जीवन को बाद में मिला है, ये कोई नहीं हीरे हमें मिले ठाकुर, ये मानव शरीर नहीं कोई नहीं हीरे ठाकुर हमें दिए, जब भी 84 लाख जोनी में ये इंसान के सिवाय कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता है। किसको बोलो, गधे जानवर पेड़ पर राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, केवल एक इंसान ही भगवान का नाम ले सकता है। इसलिए कोई नहीं हीरे, इसलिए मैं कहते भैया ये जो श्वास जा रहा है ना ये एक श्वास चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन ये श्वास की सार्थकता किसी में है, बोले जब भगवान का नाम लोगे। कोई कोई बोलते हैं ना अभी से क्या भजन करेंगे, हम क्या मर रहे हैं अभी थोड़ी, अभी से क्या भजन करेंगे रिटायर्ड लाइफ में, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी लिखाई पढ़ाई नौकरी चाकरी करेंगे शादीशुदा करेंगे, बच्चों को शादीशुदा देकर जब रिटायर हो जाएंगे एक दो माला सटका लेंगे कर लेंगे, अभी से भजन करने का क्या जरूरत। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, बोले नहीं भैया निश्वास नव्य विश्वास कदा रुद्ध भविष्य, जो काल आएगा ना चोटी पकड़ा तो चलो तो चलो, कोरोना में कितने लोग गए, कितने लोग गए कोरोना में हैं, कितने लोग चले गए कोरोना में। इसलिए हम जो श्वास छोड़ा है दूसरा श्वास लेकर के छोड़ पाएंगे, कोई बोल सकता है यहाँ पर, कोई नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ पर कहते भैया जितने जल्दी से हो दूसरे काम को भले थोड़ा पीछे रख लो होता रहेगा, लेकिन भगवान की भजन जल्दी से शुरू कर दो, भगवान की भक्ति जल्दी शुरू कर दो। क्यों, कि निश्वास में कोई विश्वास नहीं, कब ये बंद हो जाए, कब ये बंद हो जाए। इसलिए कहते हैं क्या करो, बोल रहे मिछे निद्रा बस गले रात, रात में तो सो गए, सो गया तो अच्छे तो होकर पड़ रहे, समय तो बर्बाद गया तुम्हारी है, वो समय तो आएगा नहीं। इसलिए क्या करो उठे तो कब से कब भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, भक्ति तो करो भगवान की है। इसलिए इसका तो उदित तपन हैले अस्त दिन गेलो बली है व्यवस्थ, जब सूर्य अस्त हो जाते ना हम कहते भैया दिन गया, बोलते ना दिन आज का दिन चला गया, मतलब क्या गया, मतलब और आया तुम्हारी। उदित तपन हैले अस्त, जब सूर्य जब डूब जाते हैं दिन गेलो बली है व्यवस्थ, भैया दिन चला गया, बोलते ना दिन चला गया,
बोले तबे के न अबे अलस होई ना भज हृदय राजे, वो जो दिन गया फिर दिन तो आया गया नहीं, फिर तुम भजन क्यों नहीं करते हो। जैसे किसको पूछो कितना साल के हो गए, बोले हम 30 साल के हो गए। 50 साल के नहीं, 50 साल के नहीं हो गए, 30 साल के नहीं हो गए, 30 साल तो मर गया, तुमने मर गया चला गया। हम कोई बड़े हो रहे कोई, हम कहते हमारा बच्चा लाला बड़ा हो रहा है, कोई बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे। हमारा जो एक फिक्स परमायु जब जितना उम्र हो गया तो उसमें चला गया ना, तब बड़े कहाँ से हो रहे, छोटे हो रहे ना बड़ा हो रहे हो, बड़े हो रहे ना छोटे हो रहे हो, छोटे हो रहे ना बड़े कोई नहीं हो रहे, सबके सब छोटे हो रहे। लेकिन यहाँ भागवत कहता है सबका परमायु तो काल हरण कर रहा है, लेकिन किसका परमायु काल हरण नहीं कर सकता है। बोले तस्ते जम खणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया, जितने समय हम भजन कर लेते हैं ना, उनका नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, केवल उतना समय ही ये काल नष्ट नहीं कर पाएगा। सबका समय को काल काट रहा है, धीरे 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 ये काल हमारे समय को नष्ट करते जा रहा है। इसलिए एक संत कहते थे, बोले जब रात को सोना कभी कभी मच्छर काटते हैं, मच्छर काटते हैं ना, मच्छर काटते हैं ना, बोले मच्छर क्यों काटते हैं, भजन करो, क्यों सो रहे हो, समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो, जगो भजन करो हैं। इसलिए मच्छर काट कर कहते भैया जीवन दुर्लभ मिला है, जीवन कैसे मत बिताए करो, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, इसलिए मच्छर काटते हैं, सोने इसलिए नहीं देते, हाँ भगाते हैं। इसलिए इसमें कहते हैं एमन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भावना के हो, इसका मतलब कहते हैं एमन दुर्लभ मानव देह, ऐसे जो दुर्लभ मानव शरीर तुमको मिला 84 लाख जोनि के बाद में पाया की कर भावना के, उसको पाकर कोई सोच नहीं रहे हो, कितने कीमती जीवन हमें मिला है। तबे के न अबे अलस हो ना भज हृदय राजे, अब फिर अलस होकर उनको हृदय में फिर क्यों भजन नहीं कर रहे हो हैं। इसलिए एमन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भावना के हो, एबे ना भजिले जसोदा सुत चरमे पड़ी वे लाज। देखो इसमें कितने अच्छी बात कह रहे, कितने अच्छी बात कह रहे, ये जो कीर्तन है ना इतने अच्छे कीर्तन है। कहते अगर अभी तुम भजन नहीं करोगे ना, अभी अगर ऐसे खा पी करके सो सा करके टीवी देख कर समय बिता दोगे, स्मार्टफोन लगाकर लगा दोगे ना, फिर तो सर पिटते रह जाओगे, फिर दोबारा ये मानव शरीर तुमको नहीं मिलेगा, ठाकुर और नहीं देंगे। एक बार अगर ये जीवन गया तो गया, फिर तुमको 84 लाख जोनि में फिर तुमको भटकना पड़ेगा, सर पिटते रह जाओगे, लेकिन ये जीवन तुम्हें और दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये कहते भैया जितने जल्दी बार क्या करो, भगवान की भक्ति करो, हरि नाम करो। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान की भजन कर लो, भगवान के नाम जप कर लो हैं। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, ये सब कथा तुम लोग याद रखना और दूसरों को भी सुनाते रहना है, दूसरों को भी सुना। ऐसे हमारे बहुत सारे भक्त लोग हैं, तुम्हारी गुजर समाज में सरिता दीदी नाम सुने हो, सरिता नाम सुने ना, उसने ग्रुप बनाई और उसने ग्रुप बनाई और ग्रुप बना करके ना उसमें रोज क्लास देती है। और जो लॉकडाउन हो गए थे ना, और लॉकडाउन में तुम सोच नहीं सकते इतने भक्त उसने बनाई, इतने भक्त उसने बनाई, ये सरिता दीदी ने बहुत भक्त बनाई और बहुत भक्तों को लेकर के आई मेरे पास हैं। ऐसे गुजर समाज में सरिता दीदी है, और एक विशाखा दीदी है, उनकी माताएं हैं, और एक राधा दासी है, ये खूब भजन करती हैं, भक्ति करते हैं दूसरों को भी। काली दीदी, ये लोग भी, सीमा दीदी, ये लोग भी भक्ति करते हैं, दूसरों को भी भगवान की कथा सुनाते हैं। अगर कहते एक व्यक्ति को दुनिया की बहुत सारी बातें तो हम याद रखते हैं। देखो अगर तुम कृष्ण कथा नहीं सुनाओगे ना, क्या बोलोगे, सास बहू की लड़ाई सुनाओ, सास का बन नहीं रहे, उसका घर भी ये हो गया, उसको अब कुछ तो बोलोगे ना, कुछ तो बोलोगे। भगवान की कथा सुनाओगे तो फिर दूसरी बात खत्म हो गई। अगर तुम भगवान की कथा नहीं बोलोगे तो तू तो कुछ बोलोगे, जीवा तो चुप नहीं रहेगा। देखना हर चीज़ हड्डी है, अंगुली में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, लेकिन जीवा में हड्डी नहीं,
पिछले हर समय लपड़ 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 कुछ ना कुछ हम देखता कथा में बैठी करके चुप नहीं रहते हैं देखता। वो कथा में बैठे रहते ना वहाँ भी चुप रहने आता है तब भी कुछ ना कुछ 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 ना बोलती रहती है इसलिए हाँ इसलिए 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 अगर भगवान की कथा नहीं सुना हाँ इसलिए 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 कुछ ना कुछ तो बोलोगे। अगर तुम भगवान की कथा बोलोगे फिर तो दूसरी बात बंद हो जाएगी। और संसार की तुम जितने बात बोलोगे ना उतना बंधन उतना कष्ट है, क्योंकि संसार की बात कभी इसको सुख शांति नहीं देता। बैठ करके उसको साथ में ये हो गया, वो कर रहा है, उसके घर में ये झमड़ा, यही तो बोलोगे। इससे सिवाय क्या है जगत में? और जितना यही चीज बोलोगे उतना दुखी दुखी। 5 मिनट केवल भगवान की कथा सुनाओ, देखो मन शांत हो जाए। केवल 5 मिनट ठाकुर के बारे में किसको सुना दो, हृदय तुम्हारी भी हृदय भी शांति, और दूसरे को जिसे सुना उसका हृदय भी शांति है ना। इसलिए सब कथा को सब याद रखना, सभी वहाँ अगर कापी पेन लेकर के आना, आती है कथा में एक कापी पेन के लेकर आना, जितने अच्छी अच्छी बात नोट करना, और जितने हम कहानी सुनाएंगे सब याद करना। कहानी तो याद हो जाएगी ना, अभी एक कहानी सुनाता हूँ उसको याद रख लेना, फिर बाद में अभी मैं पूछूंगा देखूंगा कौन बोल रहा है, ठीक है? ध्यान देकर सुनो, लिखे पढ़ते है ही है वकील का केस कर था। हाँ अच्छी बात है, जब अच्छी बात है अभी उसको भगवान की भक्ति में लगाओ, कोर्स कर कर लेकिन बुकले काम तो नहीं कर रही ना। हाँ नहीं कर, अच्छी बात है। इसलिए बुक लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, उनका बोलने का ही पैसा है, हर किसी चीज़ का पैसा नहीं। इसलिए अभी बुकला तो भक्ति जगत में करो। अभी तुमने जो लिखाई पढ़ाई जो सीखी है ना, ये लिखाई पढ़ाई का सार्थकता कब है? इसको नाम कहते हैं विद्या। विद्या कहते हैं ना, ये विद्या का मतलब क्या होता है? बीत मतलब जानना, यहाँ से ये विद्या बना है। ये मूल धातु बीत है, मतलब बीत मतलब तो जानना, बोले किसको जानना? बोले भगवान को जानना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अगर भगवान की भक्ति को नहीं जान पाए हमारी विद्या की कोई महत्व नहीं। ये शरीर छोड़ने पर सारी डिग्री यहीं खत्म, वो डिग्री बिग्री कुछ भी साथ में जाने वाले नहीं। वो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। सत्य तो जितने प्रभु का नाम लिया सत्य, सब झूठे में तुम्हारी गया। और तो जितने लिखाई पढ़ाई सब यही रखो, वो सब कोई काम में तुम्हारी आने वाले नहीं। काम में एक ही विद्या आएगी, भगवान की भक्ति विद्या आएगी। हैं भगवान की भक्ति विद्या, कोई विद्या तुम्हारी काम में नहीं आएगी। आई के स्टोरी सुन लो, इसको याद रखना। वहाँ एक कापी पेन लेकर के आना, वहाँ हम तुमको भक्ति की कुछ सीखा देकर और तुमको एक अच्छे ग्रुप में डाल करके जाएंगे। जिसे ग्रुप में रहोगे ना, एक अच्छी हमारे विशाखा दीदी गए, वो भी एक डॉक्टर है, वो ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी अच्छी बात बताती है, बहुत लोगों को भजन में लगाए। उनका ग्रुप में जुड़ जाओगे ना, बहुत कुछ बात सीख सकते हो। हाँ तुमको गीता की कोर्स हम करा देंगे, पूरा गीता की कोर्स करा देंगे, फिर पूरा ये जो गाँव है ना, इस गाँव में सब आता हमको भक्ति सिखाते रहना, ठीक है ना? भगवान की भक्ति के बारे में बोलते रहना, फिर तुम्हारे भी कल्याण दूसरा का भी कल्याण है। हाँ देखो सुनो, ये कहानी सुन लो, ये कहानी सुन लो अच्छे तरह से। अभी मैं पूछूंगा दो बार तुमको, देखो कौन तुम भी लिखी पड़ी है ना, कहाँ तक पढ़ी लिखी है, कहाँ तक पढ़ी हो बोलो। कॉलेज किया हुआ है, आईएएस का कोर्स कर रहा हूँ। हाँ ठीक, अभी सब जितने सब विद्या को अभी ये करो, भक्ति विद्या। राधिका बारे हाँ देखो एक कहानी सुन लो। बोले एक समय कोई एक अंधा था, वो अंधा डंडा टेकते टेकते जा रहा था, जाते जाते एक बहुत बड़ा महल बनी हुई थी जिसमें 84 लाख जिसमें दरवाजा कितना, लेकिन ये सारे दरवाजा बंद है, लेकिन उसमें केवल एक दरवाजा खुला है। वो डंडा टेकते टेकते जाते जाते हठात क्या हुआ, तुम भी इस कहानी को सुनो तो एक भी पूछूंगा। इसलिए हठात उन्होंने चलते चलते क्या होगा, जो खुला हुआ दरवाजा ना उसमें कैसे अंदर में चला गया, लेकिन सारे दरवाजा बंद है। अभी वो निकलना चाहते, निकल नहीं पाते, उसको तो दिखता नहीं, वो अंधा है, कैसे तो भूल से फंस गया। अभी हाथ लगाता है बंद, हाथ लगाता है बंद, हाथ लगाता है बंद, कितना दरवाजा था? 84 लाख। अगर 2-4 दरवाजा होता तो आ जाता, लेकिन 84 लाख ही दरवाजा है। ऐसे करते 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 समझो 84 लाख कितना होगा, है कितना होगा, करते 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 अभी बड़े दिनों में खुला हुआ दरवाजा में आया। जब आया अभी सोच रहा है
अभी तक हमें सारे बंद दरवाजा मिले, लेकिन ये दरवाजा थोड़ी खुला हुआ होगा, अभी बंद होगा। बस वहीं पर आकर उसने थोड़ी सी खुजलाने लग गया, थोड़ा खुजली मच गई, खुजलाने लग गया। और खुजलाते खुजलाते वो आया था खुला हुआ दरवाजा, वो निकल सकता था, लेकिन वहीं पर ही खुजलाने लग गया और दरवाजा पार हो गया। जब दरवाजा खुला हुआ पार हो गया, फिर कौन सा दरवाजा आएगा? बंद दरवाजा आएगा। हाँ, देखो ये चीज को समझो। कहते ये अंधा कौन? बोले हम ही है। ये 84 दरवाजा किया, 84 लाख जोनी, 84 लाख जन्म ही ये 84 दरवाजा है। कहते ये मानव शरीर पाने से पहले हमें ये 84 लख जन्म हमें भटकना पड़ा। ये शास्त्र कहता है जलजा नव लख स्याणी, पानी को अंदर में 9 लाख बार हम जन्म हुए। बोले कृमया रुद्र संख्यकम, जितने कृमि कीट है ना वो 11 लाख बार कृमि कीट होना पड़ा। बोले 300 लख्यानी पशव, बोले 30 लाख तो हमें जानवर जीवन में 30 लाख हमें वहीं से पढ़ना, इसलिए 30 लाख तो हमें जानवर जीवन में हमें चला गया है। और 20 लाख जो जीवन है कहिए पशु पक्षी जीवन में हमारी ये 20 लाख जन्म चला गया। वहीं पर बैठ गया, बैठ सब 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 बैठ गया। हाँ आली से सब आया ना फतेहपुर बास आली से आई भी आली से दीदी आली की है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे सब 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 बैठ जा। ये जो ग्रुप सरिता दीदी का ग्रुप में थे सब थे। हाँ, कुछ लोग सरिता दीदी ग्रुप और कुछ तुम्हारी ग्रुप में। दीदी ले गए, दीदी की बहन है। दीदी की बहन है, इनकी बहन है। ठीक है, मेरी बहन ना उनकी देवरानी जेठानी, ये सब इनके साथ है। हैं वो कथा सुनते 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 ये दो धीरे 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 वो कथा से सबके सब जुड़े हैं। इसलिए हमारे जो गुरु जी के गुरु जी वो कहते हैं जो माया में जो फंसे हुए जीव है, अगर एक जीव को किसी तरह से भगवान की बार में सुना करके, केवल एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में तुम लगा दिया, केवल एक व्यक्ति को, कहते करोड़ों करोड़ों कोई हॉस्पिटल खोलते, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोलते, करोड़ों करोड़ों अन्न छत्र कोई खोलते, उसमें जो पुण्य मिलेगी एक व्यक्ति को अगर तुमने प्रभु की भजन में लगा दिया तो उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी। बोले क्यों? जैसे हॉस्पिटल खोल दिया, बीमारी थोड़ी सही हो गई, फिर बीमारी आएगी। खाना खिला दिया 2-3 घंटा बाद फिर भूख लगेगी, कपड़ा दे दिया 2 दिन बाद फट जाएगी, लेकिन ये जन्म मृत्यु चक्कर से तो निकल नहीं पाएंगे ना, तो इससे ही घूमते रहेंगे। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को प्रभु की भजन में लगा देते हैं क्या होता है? चिरकाल के लिए उसको दुख कष्ट जन्म मृत्यु चिरकाल के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतु तो कम थे पुनर्जन्म न बीते। जब कोई व्यक्ति मेरे नाम लेता है, भजन करता है, वो सीधा मेरे पास में आ जाता है, अपना घर में वापस आ जाता है, फिर वहां से फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, फिर दुख कष्ट जन्म मृत्यु चिरकाल के लिए उसको खत्म हो जाएगा है। जब हम भगवान अपना सही घर में जब हम चले जाएंगे, बोले नहीं ये तो हम घर बनाया है, अपना घर है, बोले ये सही घर नहीं है, एक दिन इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चुमको छोड़ना पड़ेगा। वो चुके भगवान हृदय में है, इसलिए हमें इतने आदर मिल रहा है। वो चले जाने के बाद है ना, एक घंटा भी घर में हमें कोई रुकेगा नहीं। बोले परिवार को बुलाओ और इनको घर से निकालो, और 13 दिन तक अपवित्र रहते हैं, 13 दिन तक आप अपवित्र फिर रहते हैं। इसलिए मतलब एक व्यक्ति को अगर भजन में लगाने का इतने पुण्य है, बड़ा पुण्य किसको भगवान की भक्ति में लगा दो। हाँ देखो सुन लो, कहानी सुन लो, याद है कि नहीं? हाँ, इसलिए अभी कहते हैं ये 84 लख जोनी में हम भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो अंधा अंदर में गया, जब किसी दरवाजा पर हाथ लगाता है वो बंद बंद बंद, मतलब क्या है? हर जीव तो दुख कष्ट से निकलना चाहते हैं। एक पेड़ जो बना हुआ वो क्या दुख से निकलना नहीं चाहते? जो बकरी गधा बना हुआ वो क्या दुख से निकलना नहीं चाहते? गधे को पीठ पर दिन भर डंडा पड़ता है, बोझ ढोता है, हैं ढोता है, वो भी निकलना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा बंद, उसके दरवाजा बंद। दरवाजा बंद मतलब क्या है? ये मानव शरीर के सिवाय कोई भी भगवान का नाम ले नहीं सकते हैं,
इसलिए जीवन को मुक्ति नहीं मिलती है। किसी पशु पक्षी चिड़िया पेड़ पौधा को बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिलती है, उद्धार नहीं होता। इसलिए जितने सारे दरवाजा में हाथ लगाए सारे को सारे बंद मिले। मतलब क्या, मानव शरीर के सिवाय सब जीवन मुक्ति का दरवाजा बंद है। लेकिन ऐसे भटकते भटकते जब खुला हुआ दरवाजा में आए, बोले ये खुला हुआ दरवाजा क्या? बोले मानव शरीर। ये मानव शरीर हमारी ये खुला हुआ दरवाजा, मतलब क्या, इसी जीवन में हम भगवान के नाम उनकी भक्ति करके चिरकाल के लिए दुख कष्ट से हम निकल सकते हैं। चिरकाल के लिए हमारी दुख कष्ट खत्म, भगवान के पास में इसी जीवन में जा सकते हैं। लेकिन जब इसी दरवाजा हमें आए ना, हमने क्या किया, बस यहीं पर आकर खुजलाना शुरू कर दिया। बोले खुजलाना मतलब क्या है, ये खुजलाना मतलब क्या है, कहते ये जानवर जीवन में जो जो काम करके आए ना, इसी जीवन में वही काम शुरू कर दिया। बोले जानवर जीवन में क्या क्या किए और इसी जीवन में क्या करते हैं, कहते इसी जीवन में हम चार ही काम करते हैं। कितना काम करते हो? बोले दिन में दो काम करते हैं और रात को दो काम करते हैं। बोले दिन में दो काम क्या करते हैं? बोले पैसा कमाओ और परिवार को खिलाओ पिलाओ, परिवार को मेंटेनेंस करो। कहते ये दो काम है, इधर देखो। इसलिए ये दो काम है, क्या हो गया, ठीक। इसलिए दो काम क्या है, पहला काम क्या किया, इसलिए पहला काम है क्या क्या, पहला काम पैसा कमाया और दूसरा काम क्या, परिवार को मेंटेनेंस करना। पर कहते रात को दो काम क्या करते हैं, बोले विश्राम करते हैं और ये विषय भोग करते हैं, हैं? संतान को जन्म देते हैं। ये चार काम इस जीवन में, कहते भैया चार काम तो सब करते हैं। सूअर का नाम सुने हो, बल्कि कब जब सोते हैं ना पूरा दरवाजा बंद करके ताला लगा कर, कोई खड़ शब्द हो ना नींद, कोई चोर तो नहीं आ गया, कोई चोर तो नहीं आ गया। लेकिन सूअर को देखा कभी ऐसे होता है, हमको डलना में गद्दी में जो नींद नहीं आती हो ना, उस कीचड़े के ऊपर आराम से अपना टांग को फैला करके आराम से सोता रहता है, उसका नो टेंशन। आपने कभी सुना कोई सुअर कोई जानवर कभी सुसाइड करते हुए कभी सुने हो, कभी सुने हो कोई सुसाइड करते हुए? लेकिन ये सुसाइड कौन, इंसान ही करता है। लेकिन कोई जानवर को सुने दुखी होकर कभी सुसाइड कर दिया, कभी सुने हो? कभी नहीं सुनोगे। कौन करता है, इंसान ही इतना डिप्रेशन में आकर के वो सुसाइड करता है, हैं? इसलिए बच्चे जन्म देना, देखो सुअर को मुर्गा को कितना बच्चा देता है, 10-10, 20-20 बच्चा। मुर्गा तो 21 अंडा देता है, 21 बच्चा दे देता है। सुअर तो 10 बार 15 बच्चा जन्म दे देता है, हैं? इसलिए देखो, और बच्चे को हम एक बच्चे को बड़ा बनाने के लिए कितना साल लगता है, 15-20 साल लग जाता है, हैं? लग जाता है। अगर बच्चा कोई निकम्मा हो गया ना, जिंदगी भर के लिए टेंशन हो जाता है। बच्चे को लिखाया बड़ा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बच्चा ऐसे हो गया ऐसे हो गया, दारू पीने लग गया, असत्संग में पड़ गया, जुआ खेल रहा है, अगर कोई काम धाम नहीं करके जिंदगी भर के लिए तुम्हारी टेंशन। लेकिन एक सुअर को देखो, एक महीना में बच्चे को होनहार करके 15-20 बच्चे को छोड़ देता है। छोड़ देता है कि नहीं? इस चीज को समझो अच्छे तरह से, अच्छे तरह से समझो। इसका मतलब है हम जो काम कर रहे हैं, हैं, पैसा कमाना, कितना लिखाई पढ़ाई करके 10-8 घंटा पर काम करते हैं, फिर कितना कष्ट से पैसा कमाते हैं, फिर परिवार को मेंटेनेंस करते हैं। आपने कभी कोई सुना कोई गधा सुअर कोई स्कूल कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में गए हुए कभी सुने हो? कोई नौकरी करते हुए कभी सुने हो? वो घूमते रहते आसानी से भोजन मिला खा लिया सो गया, आसानी से सब सबके सो गए, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम ये चार ही काम करते हैं। अगर विचार करके देखोगे जानवर ये चार काम में बहुत एडवांस है, हमसे भी ज्यादा एडवांस ही जानवर है। तब फिर मानव शरीर को हर शास्त्र में इतने कीमती जीवन फिर क्यों बताया? 84 जीवन में मानव शरीर को सबसे कीमती जीवन भगवान खुद कहते हैं, बड़ा भाग मानस तन पावा, राम कह रहे हैं बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, देवता के लिए भी मानव शरीर दुर्लभ है। फिर तुम लोग गुजर घर में जन्म हुए हो, गुजर कौन, गोपियां हैं, गोपियों को गुजर कहते हैं ना, बड़े भाग्य से गुजर घर में जन्म लिए हो, ये गोपियों का वंश है, ये गोपियों का घर में तुम लोग को जन्म हुए हो, इतने भाग्य से जन्म हुए हो। बोले फिर इस जीवन को इतना कीमती क्यों कह रहे? बोले एक ही कारण है, इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे अभी कथा हो रही है सुन रहे हो, भगवान के नाम जप कर रहे हो, ठाकुर जी को याद करते हो, सेवा पूजा करते हो, और कोई कर सकता है? मानव शरीर के सिवाय कोई कर सकता है?
कोई नहीं कर सकता, इंसान कर सकता। इसीलिए ये मानव शरीर को इतने कीमती जीवन बताया। लेकिन अगर वही काम अगर हम जीवन में नहीं किया, बस आ करके वही खुजला खुजली मच गई, मतलब फिर यही संसार करके खत्म हो गई, लेकिन प्रभु का भजन नहीं किया तो बोले आया और गया, तुम आए और तुम गए और तुमसे कुछ नहीं हुआ है, तुमसे कुछ नहीं हुआ। इसलिए क्या करनी चाहिए, जिसके लिए ये मानव शरीर तुमको मिला है वह काम को हमें सबसे पहले वह काम हमें करनी चाहिए। किस लिए मिला, प्रभु की भक्ति के लिए मिला। आप बोलोगे भक्ति तो बड़ा कठिन काम, नहीं कठिन काम नहीं, भक्ति सबसे सरल है। कुछ और नहीं करना, जो कर रहे हो वही करना, लेकिन थोड़ी भावना को बदलाना और कुछ नहीं करना। घर को कितना सुंदर घर बनाए, लेकिन ये घर को क्या समझो, किसने घर दिया है, ठाकुर ने घर दिया है, भगवान की घर। किसका ये घर है, ये भगवान की दरबार है। किसने कृपा, किसकी कृपा से घर मिला है, ठाकुर की कृपा से घर मिले हैं। बच्चे हुए, बोले बच्चे किसने दिया है, किसने दिया है, आप बोलोगे मैंने तो जन्म दिया, भगवान कर दिए। कोई कहते हैं ना जन्म तो हमने दिया, भगवान थोड़ी जन्म दिया। देखो कुछ कुछ माताओं देखना बांझ हो जाती है, बच्चा नहीं होता है, कितने कष्ट करते हैं बच्चे के लिए, होता है। अगर तुम्हारी इच्छा तो हो तो तब तुम्हारी इच्छा, कोई चाहते घर में बेटा हो लेकिन बेटी बेटी होती जाती है, बेटा होता ही नहीं। हर पिता माता चाहते बच्चे पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे इंसान बने, कई बच्चे बिगड़ते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा में होता तो सब तुम्हारी इच्छा तो होता, हमारी इच्छा में कुछ भी नहीं हो रही है, सब उसकी इच्छा से हो रहा है। किसकी इच्छा से हो रहा है, ठाकुर की इच्छा से, तुम्हारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहे। इसलिए बच्चे किसने दिया है, ठाकुर ने दिया। इसलिए उनको भगवान की बच्चे मानकर पालन करो, भगवान की बच्चे मान। जैसे गोपियां घर में रहती थी, जैसे गुजरी गोपियां जैसे बच्चे को थपथप लगा कर सुलाती हैं और इधर ठाकुर का नाम लेती हैं, घर का झाड़ू लगाती हैं, कहते कहाँ झाड़ू लगा रहे, बोले भगवान के दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं। अगर ठाकुर जी कभी घूमेंगे तो अगर कई महिला पड़ा रहेगा ठाकुर का चरण में लग जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घर को झाड़ू लगाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया स्नान करो। बोले क्यों, बोले गंदे शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे, बढ़िया शरीर साफ सुथरा रहेगा और शरीर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे तभी तो ठाकुर को सेवा करेंगे ना। रसोई बनाओ रोज रोज, बढ़िया बढ़िया रसोई बनाओ, लेकिन रसोई किसके लिए बना रहे हो, बोले भगवान के लिए, ठाकुर को भोग लगेगा, ठीक है ना। पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होती ही नहीं, लेकिन लक्ष्मी किसकी है, बोले नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, उनकी सेवा के लिए ही लक्ष्मी कमा रहे। इसलिए भक्ति सबसे सरल है, लेकिन थोड़ी सी भाव को केवल बदलाना और कुछ नहीं, केवल तुम्हारी भाव को बदला दो। लेकिन ये भाव आया कहाँ से, ये भाव कब कैसे आएगी, कहते ना कहते संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तरफ तर भागरे तेरी अच्छी बनेगी। केवल भक्तों की संग जब तक नहीं होगा ना तब तक हमारी भावना बदला नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करो, अपना केवल भाव को बदला दो, बस सब कुछ काम हो जाएगी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे नित्य गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। हाँ एक कीर्तन कर लेते, ठीक है, पीछे पीछे गा लो, हरे कृष्णा सब ताली बजा कर गाओ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे।
आनंद की जय जय श्री राधा।